नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में परीक्षा में चूक के मामले अब आम हो गए हैं, चाहे वो प्रशासनिक परीक्षा हो या फिर इंजीनियरिंग की परीक्षा हो। हाल ही में हमने देखा कि बीपीएससी 67वीं में पीटी की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई। क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दी गई। और एक दूसरा मामला एक ऐसा ही सामने आया है, जब कृषि विज्ञान के विज्ञान में ली जा रही परीक्षा में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। और छात्रों की जो मांग थी, उन्होंने जो बात रखी थी, वो बेहद ही सोचने वाली बात है। कि देखिए, छात्रों की हंगामे की वजह ये थी कि 9 बजे से परीक्षा शुरू होना था, लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो लॉगिन हो रहा था। उसके बाद परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची और मौके पर जो माहौल था उसे शांत करवाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब परीक्षा की व्यवस्था की जाती है तो उस वक्त कहां चूक रह जाती है कि परीक्षा के दिन ऐसी समस्या का विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से छात्र हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। कोई लॉगिन करने के लिए कुछ नहीं है, कोई यहां पे नहीं है, यहाँ पे अभी भी कोई खबर नहीं है, कोई लॉगिन करने के लिए कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं है, इसका भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अभी भी कोई खबर नहीं है। तो देखा आपने कि कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक में ली जा रही ये परीक्षा का ये तस्वीर है, जब छात्र परीक्षा देने आते हैं और उनका कहना है कि जब वो बैठते हैं तो सिस्टम लॉगिन ही नहीं होता है, और इसे ही लेकर के वो हंगामा करते हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची और मौके पर मामले को शांत करवाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसी व्यवस्था रहती है जो परीक्षा के दिन छात्रों को इस तरीके से हंगामा करना पड़ता है, अपनी बातों को रखनी पड़ती है। तो वैसे जो लोग हैं जो पूरे सिस्टम में सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, प्रशासनिक परीक्षा हो या इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, तो ऐसी क्या चूक रह जाती है कि छात्रों को अपनी बात अपनी परीक्षा के दिन ही हंगामा करना पड़ता है। और भी ऐसी खबरों के लिए कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।